हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ शिवालिक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ के मनी माजरा में। तो चलिए गाइस, चलते हैं गार्डन के अंदर और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर खास। आइए गाइस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज्यादा बारिश होगी। मेरा मन था आराम से घूमूंगा, लेकिन घूमना क्या दोस्तों, बारिश ज्यादा होगी। परंतु चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं और घूमते हैं अंदर, देखते हैं क्या है अंदर कुछ खास। और देखिए, आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो आपको गेट के सामने से डायरेक्ट ये दिखेगा, ये फूल पत्तियां। और गाइस दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ भी इतने सारे फूल, और फूल सिर्फ और सिर्फ सफेद कलर के। अभी सफेद कलर के हैं, पर आगे देखेंगे आपको बहुत अलग अलग कलर के। और देखिए यहाँ पर पेड़ भी है कोई। इस पेड़ का दोस्तों मुझे नाम तो नहीं पता है, पर है शायद ये आम का पेड़। नजदीक चल के देखते हैं। ये देखिए, हाँ दोस्तों, क्लियरली पता चल रहा है ये आम का ही पेड़ है। उसमें कोई आम लगा भी नहीं है। और देखिए साथ लगने का, और साथ में यहाँ पे देखिए एक कूड़ादान भी है। ये देखिए गाइस, वो रहा वो सामने जो है वो गेट है। गेट से हम ये लेफ्ट साइड को आएंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये जिम दिखेगा। चलो जिम दिखाते हैं आपको। ये देसी जिम है, देसी जिम नहीं, विदेशी जिम भी कह सकते हैं, लेकिन ये सरकारी जिम है ये बोलेंगे। यहाँ पर हम जिम का पूरा आनंद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई है नहीं। यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। और देखिए बारिश की बूंदे आप देख सकते हैं, देखिए नीचे पानी भरा हुआ है। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको और आगे का नजारा। देखिए यहाँ पर नल भी लगा हुआ है। अभी आपको नल के दिखाते हैं दशा, अगर पानी आता होगा तो ही पता चल जाएगा, नहीं आएगा तो ही पता चल जाएगा। ये नल बड़ा स्टाइलिश है दोस्तों, इसमें पानी भी नहीं आता, ऐसा नल है। और देखिए वो बैठने वाला बैठ लगा हुआ है। यहाँ पर जब मिल बैठेंगे चार पांच दोस्त, यहाँ पे भी पंचायत अच्छी है। देखिए दोस्तों, वहाँ पे बच्चे कुछ खेल रहे हैं। आइए चलते हैं बच्चे के पास और देखते हैं, और हम भी थोड़ा बहुत झूला झूल लेंगे जाकर। देखिए यहाँ पे कितने सारे, ये घास भी है फूल भी है, आप इसे घास फूल बोल सकते हैं। वो देखिए बच्चे खेल रहे दोस्तों। और देखिए ये भी इधर साइड भी झूला लगा हुआ है, झूले लगे यहाँ पे, बच्चे खेल रहे हैं। और इनके साथ चलिए करते हैं थोड़ी मस्ती। देखिए गाइस, देखिए तो बच्चे क्या कर रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हो, खेल रहे हो क्या, क्या खेल रहे हो बताओ, कौन सा खेल खेल रहे हो, पानी भरने वाला। देखिए गाइस, यहाँ दो बच्चे और एक तीसरा बच्चा वो ऊपर बैठा हुआ है। नीचे आओ, नहीं आओगे, कहाँ से आए हो बताओगे, कहाँ से, घर कहाँ है तुम्हारा, पास में ही है। और ये कौन सा खेल खेल रहे हो, इसे क्या बोलते हैं बताओ तो, क्या बोलते हैं इस खेल को, ए छुटकी, छुटकी क्या खेलते, क्या बोलते इसे, पानी भरने वाला। देखिए गाइस, यहाँ पे बच्चों ने पानी भर लिया है। बारिश के मौसम में बच्चे खेलने का पूरा आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं भी चलता हूँ झूले के ऊपर और देखता हूँ इस बच्चे को, ये बच्चा पकड़ में नहीं आया, इसे पकड़ना पड़ेगा। देखिए ये बच्चों का झूला, देखिए यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर बारिश हो तो बारिश के लिए ये सबसे अच्छी जगह, यहाँ पे आप बच सकते हैं बारिश से। और देखिए ये भी बारिश से बचने की बहुत अच्छी जगह है। और छोटू क्या कर रहे हो, ये छोटू कुछ नहीं कर रहे। तो गेंद किसकी है, किसकी है, उनको दे दूं? तो देखिए गाइस, ये छोटी सी गेंद और ये गेंद इस छोटी सी बच्ची की है। तो देखो मैं यहाँ पे रखूंगा, ये अपने आप चली जाएगी। हटो हटो रखो, तो गाइस यहाँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस बच्चे से बात करके, ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि बच्चा डर रहा है मेरे बात करने में। चलो तुम खेलो, ठीक है, हम जाएं, हम जाएं। एक चीज बता देता हूँ, तो गाइस मेरा मन कर रहा था यहाँ झूला झूलने के लिए, लेकिन यहाँ पर पानी भरा हुआ बहुत ज्यादा, और इसलिए मैं गीला हो जाऊंगा, पैंट मेरी गीली हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं झूलूंगा, यहाँ से तुरंत नीचे उतरने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ तो हमने झूल लिया बच्चों के साथ,
अब थोड़ा और आगे चलते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे जगह जगह पर कूड़ेदान बने ताकि लोग गंदगी ज़्यादा ना फैला सकें। देखिए यहाँ पर भी कूड़ादान है, कूड़ेदान हर जगह है, लेकिन आपको फिर भी एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ कूड़ेदान है होते हुए भी लोग गंदगी फैलाते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, यहाँ पे रोटी खाकर यहाँ पर फेंक दिया लोगों ने। और आपको दिखाता हूँ, देखिए रोटी यहाँ फेंकी गई है और कूड़ादान ये बगल में ही है। सरकार लोगों के लिए बहुत कुछ सुविधा करती है पर लोग फिर भी सरकार को दुविधा में डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा ट्रैक है इधर का, देखिए गाइस बहुत अच्छा ट्रैक है। और वो देखिए वो बच्चे वहाँ खेल रहे अभी भी। ये मौसम बहुत ही सुहाना है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर का माहौल। तो दोस्तों आओ चलते इसके ऊपर, देखिए यहाँ ऊपर कुछ लग रहा है पहाड़ टाइप का, बहुत ऊंचा पहाड़ तो नहीं है लेकिन है ऊंचाई जो भी है। आओ देखते हैं ऊपर, देखिए गाइस मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर लोग गंदगी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस कूड़ादान होते हुए भी लोग यहाँ पर कितने सारे कूड़े फैला रखे हैं, देखो आप देख सकते हैं। सरकार कुछ भी कर ले लेकिन लोग नहीं मानते हैं, देखिए हर तरफ कूड़ा। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए गाइस और साइड में एक कूड़ादान भी बना हुआ है। देखिए गाइस यहाँ पर साइड में कूड़ादान भी बना हुआ है कूड़ा डालने के लिए, एक कूड़ा खाली है, खाली तो दोस्तों कोई नहीं, दोनों कूड़ा भरा है। और इसको जब भर जाता है कूड़ा तो इसे हटाना भी होता है। और दिखाता हूँ आपको, तो देखिए आपको एक चीज़ हाँ, देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, ये व्यू देखिए इधर से, ये पेड़ की देखो शेप कितनी अच्छी लग रही है इधर से, देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है इसका पेड़ का शेप। और देखिए ये भी अच्छे अच्छे यहाँ पे पत्ते लगे हैं, फूल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी फूल लगे नहीं है। और देखिए यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है, और यहाँ भी देखिए गाइस कूड़ा फेंका हुआ है, देखिए ये फूल सूख गए हैं, क्योंकि इसमें फूल नहीं सूखा दिख रहा, मुझे तो पत्ते ही सूखा दिख रहा है, लेकिन फूल होंगे जरूर इसमें। और आपको फूल तो बहुत प्यारे प्यारे दिखाने वाला हूँ मैं, ये देखिए गाइस कितने अच्छे यहाँ पे फूल भी लगे हैं, ये देखिए ये कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, इतने अच्छे फूल हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता लेकिन फूल हैं। और देखिए यहाँ से अब भी कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है इधर पूरा, देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों, घूमने में इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए गाइस हम इस पहाड़ से इस पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं यहाँ से, ये देखिए हम आ गए नीचे। इधर भी देखिए एक और बहुत ही खूबसूरत आपको झूला दिखाता हूँ, झूले तो बहुत खूबसूरत है पर बारिश में झूलने के लायक नहीं बचे, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है डायनासोर वाला झूला, ये देखिए गाइस ये लग रहा खा देगा बच्चों को, लग रहा है बच्चों को खाने वाला डायनासोर है देखिए, लेकिन ये खा नहीं सकता क्योंकि इसकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है, इसे हम देख के खुश हो जाएंगे इसको, अगर ये अभी जिंदा होता तो हमें खा जाता, देखिए इसका मुंह कितना बड़ा है, ये देखिए ये झूले तीनों तरफ से झूले, देखिए इतने सारे वो फूल लगे हैं। और ये कुआं टाइप का बना है चारों तरफ से, लेकिन कुआं नहीं है सिर्फ कुआं टाइप का ही है, तो इसके अंदर गड्ढा नहीं है, जो छोटा गड्ढा है वहाँ फूल वगैरह लगे हैं। और आइए गाइस आपको दिखाते हैं, देखिए फूल तो बहुत सारे हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन प्रकार के नाम मुझे एक भी नहीं पता, मुझे तो नॉर्मल फूलों के नाम पता है, जैसे फूल गुलाब का, गेंदे का, सूरजमुखी का इत्यादि। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा फूल है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अगर आप इस एक फूल को तोड़ लेते हैं तो आपको गुलदस्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर भी फूल है, ये बहुत सारे फूल है, देखिए ऐसे ऐसे फूल मैं पहली बार देख रहा हूँ। अगर आप इन फूलों के नाम जानते हो दोस्तों तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ये देखिए ध्यान से देख लीजिए ये फूल है, ये देखिए, और इस फूल के नाम भी बताना दोस्तों क्योंकि मुझे तो इनके नाम नहीं पता है। देखिए यहाँ पर भी कुछ है, कुछ क्या दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है, वो देखिए कितना सारा पानी भरा है यहाँ पर, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये पानी तो भरा हुआ है लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर हमको ट्रैक पार करना है तो ये देखिए चारों तरफ से ट्रैक बना हुआ रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन
यहाँ पर एक अलग से बनाया गया है देखिए पार करने का, मेरे ख्याल से पार करने का सिर्फ बैठने का, जिसको मन करे रास्ते में पानी के बीच जाके बैठ के आराम कर सकता है। तो चलिए गाइस हम भी चलते हैं और देखते हैं अंदर चल के, तो मज़ा आने वाला है हमें। देखिए दोस्तों यहाँ से चलेंगे हम उसके ऊपर से और वहाँ से वो पार हो जाएंगे। दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है, वन बाय वन हम आगे चल रहे हैं। अगर हमने इधर उधर पैर रख दिया, इधर उधर पैर रख दिया तो हम सीधा नीचे पानी में चले जाएंगे। दोस्तों जिस तरह यहाँ पर ये रूट बना हुआ है उसी तरह वो रूट देखिए वहाँ पर भी बना हुआ है, हम इसी के ऊपर से चल के पार होंगे अभी। देखिए कितना मजा आ रहा है और पानी भरा कुछ ज्यादा यहाँ पर। देखिए गाइस मैं फटाफट यहाँ से पार हो जाऊंगा क्योंकि मेरी हैबिट है ऐसे ऐसे खतरों से खेलने की आदत है, मैं फटाफट पार हो जाता हूँ। देखिए यहाँ से पार हो जाऊंगा फटाफट, ये पानी के बीच से पार हो गया। लेकिन देखिए वहीं आप देख सकते हैं मेरे दोस्त को, वो बहुत ही डरता है, एक एक कदम बहुत ही धीरे धीरे रख रहा है, देखिए डर रहा है। देखिए गौरव भाई को देखिए, देखिए इसकी चाल देखिए मेरे दोस्त की, देखिए मैं कितनी तेजी में आता हूं, इनकी चाल देखिए, यही वो कातिया जो बहुत स्लो चलता है। आ जाओ गौरव भाई आ जाओ, देखिए गाइस मेरा दोस्त भी आ गया और हम चलते हैं आगे। ये देखिए गाइस डिफरेंट टाइप की यहाँ पर कुर्सियाँ, ये इस टाइप की भी है, लोहे वाली भी है और ये बिना लोहे वाली भी है। हमें यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है और देखिए इधर का पूरा नज़ारा क्या खूबसूरत नज़ारा है। इस खूबसूरती का आनंद अगर आपको लेना हो तो आप चंडीगढ़ आइए। देखिए आपको यहाँ पर कूड़ादान तो हर जगह मिलेगा लगभग, लेकिन कूड़ादान में कूड़ा डालने के लिए लोगों के पास नहीं है, लोग बाहर ही फेंकते हैं। और दोस्तों आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ, आइए पास में सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपको शिवालिक गार्डन घूमने आना हो तो आप अगर रेलवे स्टेशन पे आएंगे, रेलवे स्टेशन से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पे ये शिवालिक गार्डन पड़ता है, और अगर आप आएंगे एयरपोर्ट से मतलब बाय किससे एयरप्लेन से तो आपको 17 किलोमीटर दूर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता चाहता हूँ कि कोई इस गार्डन में घूमने के लिए एयरपोर्ट से तो आएगा नहीं, अगर आपको इमरजेंसी काम हो अगर आप चंडीगढ़ में आए तो इस जगह घूमने आ सकते हैं, और रेलवे स्टेशन से तो पास में 3.5 किलोमीटर दूर तो आराम से आ सकते हैं। तो गाइज और आगे चलिए और कुछ दिखाते हैं आपको। देखिए गाइज यहाँ पर जो भी लोग खाना पीना खाते हो उनसे मेरी यही अपील रहेगी, अगर आप कुछ खाते हैं पीते हैं तो डस्टबिन देखिए वो सामने लगे हैं, जगह जगह पर डस्टबिन लगे हुए हैं, जगह जगह पर डस्टबिन लगे हैं, उधर भी लगा है उधर भी लगा है, लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आता, लोग देखिए फिर भी यहाँ खाना खाएंगे कुछ भी और नीचे देखिए गंदगी फैला देंगे, देखिए बहुत गंदगी फैलाते हैं लोग यहाँ पे। चलिए गाइस हम साइड से ट्रैक पर चलते हैं अपने। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्क है जो भी गार्डन है ये 20 एकड़ में फैला हुआ गार्डन है। देखिए गाइस अलग अलग प्रकार के पौधे लगे हैं, अब इन पौधों में फूल भी होंगे। देखिए एक फूल और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस ये फूल है, इस फूल का भी मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको इसका नाम पता हो तो उसे भी आप हमें कमेंट में बताना। ये देखिए ये सारे फूल हैं, दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और इस पर भी भगवान दया करेंगे तो इस पर भी जरूर फूल उग जाएंगे, अभी इस पर कोई फूल नहीं है क्योंकि इस पौधे को खुद ही एक डंडे की सहारे की जरूरत है। वो देखिए गाइस वो है ट्रैक्टर, मौसम बहुत ही सुहाना है। ये देखिए गाइस यहाँ पानी कितना सारा भरा हुआ है, मतलब पौधों को पानी मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं पानी की। और देखिए एक मशीन दिखाता हूँ आपको, इधर भी कूड़ादान तो हर जगह ही, और आप मशीन देखिए ये मशीन है कोई, इससे घास काटते हैं और जब घास काट लेते हैं दोस्तों घास काट के इस पर रख लेते हैं और तो इसे बाहर फेंक के आते हैं। ये देखिए और साथ में कुत्ता भी आराम कर रहा है यहाँ पर। देखिए गाइस एक गेट ये इस तरफ से भी है, ये देखिए ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे इस पेड़ के पास जाने का मन कर रहा है लेकिन मैं जा नहीं सकता कि यहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा हो चुका है। देखिए गाइस यहाँ का माहौल कितना अच्छा लग रहा है, और बादल देखिए काले काले हो चुके हैं, काले बादल हो चुके हैं, बारिश का माहौल है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर जितने जल्दी हम घूमते हैं फिरते हैं यहाँ से निकलते हैं, वरना अगर ज्यादा देर तक हम बैठे रह गए तो हम खुद भी यहाँ पर भीग सकते हैं। ये देखिए गाइस ये पेड़ कौन सा है, इस पेड़ का मुझे नाम नहीं पता पर दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, इस पेड़ का आप नाम बताना, आपको अगर इसका नाम पता हो। ये देखिए मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ,
ये देखिए, ये कितना प्यारा फूल है। फूल मतलब इस पेड़ के ऊपर जो फूल, देखिए ये पेड़ तो है बहुत ही अच्छा, इसके मैं आपको फूल दिखाते रहिए गाइस। इसका फूल ये है। इस फूल का नाम क्या है आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे इसका नाम भी नहीं पता है। और दिखाता हूँ आपको गाइस, ये देखिए इतने सारे यहाँ पे फूल पौधे लगे हुए हैं, जो कि इस पूरे पार्क की शोभा को बहुत अच्छी तरह बढ़ा देते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे फूल लगे हैं जो इस पार्क की शोभा को बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर घास काट के रखी है, इसे फेंका जाएगा अभी कुछ टाइम बाद। दोस्तों आज आपने देखा यहाँ का ये शिवालिक गार्डन, जो कि बहुत ही प्यारा है, ये चंडीगढ़ के अंदर है। अगर आपको आना हो तो आप यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। और कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।